तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक इनइक्वलिटी गिवन है, 3 × x − 2 / 5 = 5 × 2 − x / 3, और हमें इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमें कुछ इस टाइप की इनइक्वलिटी गिवन है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब सिंस हमने 5 का मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि इनइक्वलिटी कुछ इस तरह की दिखेगी। एंड इसे सॉल्व करके हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड में अभी भी फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यदि हम इस पूरी इनइक्वलिटी में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में करें एंड 3 का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में करें एंड इसे आगे सॉल्व करें, तो हमें कुछ इस टाइप की इनइक्वलिटी मिलेगी। तो अब आपने देखा कि हमने इस इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई कर लिया है, तो अब हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आप इस स्टेप को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी कि जो अभी तक हमने स्टेप्स देखे थे उनको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत बेसिक स्टेप्स हैं। आप डायरेक्ट ही इस स्टेप को लिख सकते हो कि ये इनइक्वलिटी होगी 9 × x − 2 = 25 × 2 − x। अब हम यहां से इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं कि एक साइड वेरिएबल को ले जाएंगे एंड एक साइड कांस्टेंट को ले जाएंगे। तो पहले हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें 25x को ऐड करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा एंड जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की इनइक्वलिटी मिलेगी। तो अब आप यहां देख सकते हो कि हमें इसमें जो x की टर्म है वह केवल एक ही साइड मिली है। अब हम कांस्टेंट टर्म को भी एक साइड कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम 18 को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की इनइक्वलिटी मिलेगी। एंड जब हम इस इनइक्वलिटी में 34 का डिवाइड करेंगे देन वी गेट x = 2। तो यहां से आप देख सकते हो कि इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन मिला है x = 2।